अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देखना स्टार्टिंग होगी 5G। आज की वीडियो में हम 8051 के टाइमर को स्टडी करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8051 टाइमर प्रोग्रामिंग। टाइमर द टाइमर हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन प्रैक्टिस, वेरी फ्यू प्रोग्राम डोंट यूज़ इट इन सम वे। इट इज़ वेरी ईजी फॉर यूज राइटिंग प्रोग्राम और सबरूटीन फॉर जनरेटिंग पल्सेस ऑफ ड्यूरेशन टाइम मेजरमेंट और काउंटिंग स्टैंडर्ड पल्सेस इवन विद ऑलमोस्ट नो लिमिट। जो टाइमर होता है ये बहुत सी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, सिर्फ चंदे की एप्लीकेशन है जिसमें हम टाइमर को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, सब में हम कहीं ना कहीं टाइमर को ज़रूर यूज़ करते हैं। द 8051 हैज़ टू टाइमर, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। दे कैन बी यूज एज टू जनरेटिंग ए टाइम डिले, इवेंट काउंटर और काउंट इवेंट, बॉड रेट जनरेशन फॉर द बुलेटिन सीरियल पोर्ट। 8051 में जो टाइमर होते हैं उनको हम तीन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, डिले जनरेट करने के लिए, इवेंट काउंट करने के लिए और बॉड रेट जनरेशन के लिए। बॉड टाइमर 0 एंड टाइमर 1 आर 16-bit वाइड। द 8051 हैज 8-bit आर्किटेक्चर। ईच 16-bit टाइमर इज एक्सेस एज टू सेपरेट रजिस्टर ऑफ लोअर बाइट एंड हायर बाइट। द लोअर बाइट रजिस्टर कॉल्ड टाइमर लोअर 0 एंड टाइमर लोअर 1 एंड द हायर बाइट रजिस्टर कॉल्ड टाइमर हायर 0 एंड टाइमर हायर 1। ये देखिए 8051 में जो टाइमर होते हैं वो 16-bit वाइड होता है, ये देख सकते हैं आप, ये दो टाइमर की तरह, देखिए 8-bit, ये देखिए 8051 में टाइमर जो होता है 16-bit वाइड होता है। इसको दो इंस्ट्रूमेंट वाइड किया जाता है कि 8051 जो होता है 8-bit का आर्किटेक्चर होता है इसका, इसलिए इसके टाइमर को दो इंस्ट्रूमेंट वाइड किया जाता है, ये देखिए लोअर और हायर बिट। इसी तरह टाइमर 1 में भी 16-bit वाइड होता है, इसको दो इंस्ट्रूमेंट वाइड किया जाता है, लोअर बिट्स और हाइट बिट। इसको हमें 16-bit टाइमर को भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको 8-bit टाइमर में भी यूज़ कर सकते हैं। 16-bit में हमें इसको कंप्लीट 16-bit की वैल्यू देनी पड़ेगी टू सेपरेट रजिस्टर से, जबकि 8-bit में यूज़ करेंगे तो हमें सिंपल एक हायर बिट में वैल्यू लोड करनी पड़ेगी। टी मोड रजिस्टर। द टी मोड रजिस्टर कंटेन टू ग्रुप ऑफ 4 bits डेट सेट द ऑपरेशन मोड फॉर द टाइमर 0 एंड टाइमर 1। The T mode is 8-bit register. The lower 4 bits are for timer 0 and upper 4 bits are for timer 1. In each case, the lower 2 bits are used to set the timer mode and the upper 2 bits to specify the operation. ये देखिए T mode register होती है, इसमें ये सी ये 8-bit wide होती है, इसको 2 segments wide किया जाता है, ये timer 1 के लिए और ये timer 0 के लिए। इसमें ये तो पहले 2 bit होती हैं टाइमर के ऑपरेशन को सेट करती हैं और ये इसके इसका स्पेशल ऑपरेशन कंट्रोल होता है। इसी तरह टाइमर 1 में भी इसी तरह ही है, ये देखिए जो इसकी 1st bit है ये गेट है। व्हेन सेट टाइमर काउंटर इज इनेबल ओनली व्हाइल द INT पिन इज हाई एंड द RX कंट्रोल पिन इज सेट। व्हेन क्लियर द टाइमर इज इनेबल व्हेनेवर द TX कंट्रोल बिट इज सेट। ये CT सेट फॉर द काउंटर ऑपरेशन। टाइमर और काउंटर सेलेक्टेड क्लियर फॉर द टाइमर ऑपरेशन। इसको जब CT को 1 किया जाता है तो एज ए इसको काउंटर यूज़ किया जाता है, जब इसको 0 किया जाता है तो ये एज ए टाइमर काम करता है। ये देखिए ये इसकी जो ये 2 bit हैं ये टाइमर के ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए होती हैं। ये देखिए अगर ये 0-0 है तो ये 13-bit मोड है, ये 8051 में यूज़ नहीं होता। ये 1 और 0 ये मोड 1 है, ये 16-bit टाइमर है, इसमें हम टाइमर को 16-bit यूज़ करते हैं, इसमें लोअर और हाई वैल्यू हमें लोड करनी पड़ती है। ये 1 और 0 ये मोड 2 है, ये ऑटो रीलोड है, ये 8-bit टाइमर होता है, इसमें हमें सिर्फ TX में वैल्यू लोड करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ हमें हायर बिट में वैल्यू लोड करनी पड़ती है। ये 1-1 है, ये मोड 3 है, ये स्प्लिट टाइमर मोड है। हम ये 2 mode यूज़ करेंगे
16-bit or 8-bit auto reload. Mode 1. It is a 16-bit timer, therefore it allows the value 000 to FFFF. ये 00 से लेकर FF तक ये काउंटिंग करेगा क्योंकि ये 16-bit टाइमर है. टू बी लोडेड इनटू द टाइमर रजिस्टर TL एंड TH. आफ्टर TL एंड TH आर लोडेड विद द 16-bit इनिशियल वैल्यू द टाइमर मस्ट बी स्टार्टेड. दिस इज डन बाय सेट TR0 फॉर द टाइमर 0 एंड सेट TR1 फॉर द टाइमर 1. जब 16-bit टाइमर में TL और TH की वैल्यू लोड कर दी जाती है तो उसके बाद टाइमर को स्टार्ट किया जाता है. ये टाइमर 0 के लिए जो सा TR0 को स्टार्ट किया जाता है सेट किया जाता है और टाइमर 1 के लिए TR1 को सेट किया जाता है. आफ्टर द टाइमर इज स्टार्टेड इट स्टार्ट टू काउंट अप. इट काउंट अप अंटिल द रीच इट्स लिमिट. और ये 00 से लेकर ये किसी भी निश्चित वैल्यू से स्टार होके ये FF तक काउंट करेगा. और जैसे इसके काउंट फिनिश होगी ये एक फ्लैग को बिट को सेट कर देगा. मोड 2. इट इज़ एन 8-bit टाइमर. इट अलो ओनली वैल्यू ऑफ 00 टू FF टू बी लोडेड इनटू द टाइमर रजिस्टर दैट TH. After TH is loaded with 8-bit value, the 8051 give a copy of its to the TL. Then the timer must start it. This is done by the TR0 for the timer 0 and set the TR1 for the timer 1. After the timer is started, it start to count up by the increment the TR register. It count up until it reaches its limit. When it roll over from FFH to 00, it is set high the TF timer flag. When the TR register roll, the TF set to 1, TL is loaded automatically with the original value kept by the TR register. जब हम TH के अंदर इसकी value load करते हैं तो इसकी copy TL के अंदर भी load कर देता है. और जैसे ही इसके flag या इसका roll over finish होता है ये TL से एक copy दोबारा TH के अंदर लोड कर देता है. टू रिपीट द प्रोसेस वी मस्ट सिंपली क्लियर द TF एंड लेट इट गो विदाउट एनी नीडेड बाय द प्रोग्रामर रीलोड द ओरिजिनल वैल्यू. दिस मेक मोड 2 एंड ऑटो रीलोड. इट कंट्रास्ट विद मोड 1 इन विच प्रोग्रामर हैज़ टू रीलोड द TH एंड TL. देखिए जो इसका मोड 2 होता है ये ऑटो रीलोड होता है जबकि मोड 1 के अंदर हमें वैल्यू खुद से लोड करनी पड़ती है. जबकि मोड 2 में हम एक बार वैल्यू लोड कर देते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यू लोड करता रहता है. TCON. द TCON टाइमर कंट्रोल रजिस्टर इज एन 8-bit रजिस्टर. द TCON कंटेन स्टेटस एंड कंट्रोल बिट फॉर द टाइमर 0 एंड टाइमर 1. द अपर 4-bit TCON 4 टू TCON 7 इन TCON आर यूज टू टर्न द टाइमर ऑन एंड ऑफ और सिग्नल ए टाइमर फ्लो TF0 एंड TF1. एंड लोअर 4-bit TCON 0 to TCON 3 in TCON are used to detect an initial external interrupt. ये देखिए ये TF1 ये टाइमर 1 के लिए है और TR1 ये भी टाइमर 1 के लिए है. TF0 ये टाइमर 0 के लिए है और ये TR0 ये टाइमर 0 के लिए है. ये दोनों बिट टाइमर 0 के लिए हैं ये दोनों बिट टाइमर 1 के लिए हैं. और ये जो बाकी ये हैं इनको हम इंटरप्ट में यूज़ करेंगे.